तो आइए दोस्तों देखते हैं फैंटम में पेन ड्राइव की क्या क्या यूटिलिटी है, कैसे डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं एक पेन ड्राइव लूँगा, ये नया पेन ड्राइव है, मैं ये मेमोरी का पोर्ट है वहाँ पे इसको लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे मेमोरी पोर्ट में लगा दिया अपना पेन ड्राइव। चूंकि मैं नया पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, क्योंकि ये जो पेन ड्राइव है वो नॉर्मल फॉर्मेट में रहता है, कंप्यूटर के फॉर्मेट में रहता है, तो हमें इसको फॉर्मेट करना है कीबोर्ड के फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले मेन्यू में जाना है। मेन्यू में आप जैसे जाओगे तो आपको यूटिलिटी दिखेगा, उसके बाद आपको यूटिलिटी के अंदर जाना है। जब आप यूटिलिटी के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूएसबी मेमोरी फॉर्मेट, ये ऑप्शन है, यहाँ पे आके आपको ओके कर देना है। ये दोबारा पूछेगा आर यू श्योर, आपको वापस ओके करना है, तो ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा पेन ड्राइव का। अब ये कंप्लीट हो गया तो हमारा पेन ड्राइव रेडी है यूज के लिए फैंटम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपको बैकअप कैसे करना है। बैकअप मीन्स कीबोर्ड में जो आपके टोन्स हैं किसी से आपको शेयर करना है तो वो पेन ड्राइव में कैसे डालें। तो सबसे पहला आपको करना है, सबसे पहले आपको मेन्यू बटन प्रेस करना है। मेन्यू बटन प्रेस करके वापस यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी के अंदर आपको ये बैकअप का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको बैकअप का ऑप्शन प्रेस करना है। बैकअप का ऑप्शन आप जैसे प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे रीनेम का है, तो आप रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से आपके बैकअप को। मैंने अपना बैकअप रीनेम कर लिया। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे दो छोटे छोटे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, यहाँ पे इंक्लूड पैड सैंपल्स, इंक्लूड कीबोर्ड सैंपल्स। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो जो आपका बैकअप होगा वो विदाउट यूजर सैंपल्स के होगा। तो आपको बैकअप करते टाइम ध्यान रखना है कि ये दोनों बॉक्सेस आपको टिक करने हैं। जैसे आप टिक कर देंगे, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर सकते हैं। आप नॉब से भी ओके कर सकते हैं और टच स्क्रीन से भी ओके कर सकते हैं। अब जैसे ओके करेंगे आइए वापस पूछेगा आर यू श्योर, फिर मैं वापस इसको ओके करूंगा तो ये बैकअप का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये बैकअप 5 से 6 मिनट लगता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाएगा अगर डेटा आपके अंदर आपके कीबोर्ड के अंदर कम है तो। बट जब तक ये बैकअप हो रहा है आपको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ना हो, कोई भी बटन आपको टच नहीं करना है, इवन कीबोर्ड भी टच नहीं करनी है, ये प्रोसेस होने देना है। बैकअप होने के बाद आपको एक मैसेज आया कंप्लीट, फिर इसको क्लोज करना है। अब ये हमारा बैकअप हो गया है। बैकअप हो गया मीन्स कीबोर्ड के जो बैकअप से जो टोन्स थे हमने पेन ड्राइव में सेव कर लिया। अभी पेन ड्राइव से जो बैकअप है वो कीबोर्ड में कैसे डालते हैं, तो सेम प्रोसेस है। उसके लिए भी आपको पहले मेन्यू बटन प्रेस करना है, फिर यूटिलिटी में अंदर जाना है। यूटिलिटी में बैकअप ऊपर है, उसके नीचे ठीक रिस्टोर है, तो आपको रिस्टोर प्रेस करना। जैसे आप रिस्टोर प्रेस करेंगे आपको ये फाइल दिखेगी, मैंने रीनेम किया था ब्रिज, तो ये ब्रिज का फाइल बना हुआ है। अगेन ये दो ऑप्शंस आपको मिलेगा, अप्लाई सैंपल पैड, अप्लाई सैंपल कीबोर्ड। ये दोनों आपको देखना है कि वो टिक हो बॉक्स में, अनटिक नहीं होना चाहिए। अगर ये अनटिक रहा तो बैकअप रिस्टोर होगा विदाउट सैंपल होगा। मैंने दोनों को टिक कर दिया है और वापस रिस्टोर का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके रिस्टोर का प्रोसेस करेंगे। जैसे हम रिस्टोर का प्रोसेस करेंगे तो जो एस्टिमेटेड टाइम है हमारा वो बता रहा है, तो वापस इसको ओके कर देना है। ये कुछ 5 या 6 मिनट लगेगा बैकअप वापस रिस्टोर होने में। इसमें भी सेम आपको बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना और मेक श्योर करना कि पावर कट ना हो इंस्ट्रूमेंट का। जैसे आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे कंप्लीट प्लीज पावर ऑफ का मैसेज आएगा, आपको सिंपली कीबोर्ड ऑफ कर देना है, ऑफ करके वापस कीबोर्ड ऑन कर लेना है। जब आप कीबोर्ड ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपके जितने भी यूजर टोन्स आपने बैकअप में डाले हुए थे वो सब रिस्टोर हो गया होगा यूजर के स्पेस में। दोस्तों फैंटम के अंदर एक फीचर दिया हुआ है यूएसबी अनमाउंट। जब भी आप यूएसबी लगाएं इंस्ट्रूमेंट में, जब भी आप पेन ड्राइव यूज करें इंस्ट्रूमेंट में और जब आपको पेन ड्राइव निकालना हो तो आप डायरेक्ट बिल्कुल खींच के ऐसा पेन ड्राइव नहीं निकालें, उसका एक प्रोसेस है, वो आप प्रॉपर फॉलो करें। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और इंस्ट्रूमेंट भी सुरक्षित रहेगा। तो यूएसबी अनमाउंट करने के लिए आपको मेन्यू बटन पहले प्रेस करना है, उसके बाद यूटिलिटी प्रेस करना है। जैसे आप यूटिलिटी में जाएंगे आपको यहाँ पे यूएसबी मेमोरी अनमाउंट का ऑप्शन आएगा, आपको बस सिंपली ये प्रेस कर देना है और यहाँ पे अगेन आर यू श्योर का मैसेज आएगा, आपको इसको भी ओके करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको एग्जिट करना है
और आपको यहाँ से आपकी यूएसडी निकाल लेनी है। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रोसेस फॉलो करें आप। धन्यवाद।